हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़नी चाहिए और किस राइटर की पढ़नी चाहिए। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन कौन से राइटर की पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, कई लोग उसमें कन्फ्यूज होते हैं कि सर मैं मैकेनिक्स कौन सी राइटर की पढ़ूँ या सोम कौन सी राइटर की पढ़ूँ। कुछ लोग तो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, सिविल इंजीनियरिंग में आपने बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, वो सारे सब्जेक्ट आपके ज़्यादा किसी काम के नहीं हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ओनली 5 सब्जेक्ट्स, मैं आपको 5 बुक्स बता रहा हूँ और उन 5 बुक्स के राइटर भी बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से एक बेसिक समझना है, चीजें आपको बेसिक लेवल से समझना है, तो इन 5 बुक्स को आप परचेस कर लीजिए और देख लीजिएगा। आपको डेफिनेटली पहले एक बुक को खरीदिए और उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप काफी हद तक चीजों को समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, तो आप दूसरी बुक को भी पढ़िएगा। सबसे पहले दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर के लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बेसिक की बात करूं, कहां से स्टार्ट होती है इंजीनियरिंग, दैट सब्जेक्ट इज मैकेनिक्स, दैट सब्जेक्ट इज मैकेनिक्स। तो दोस्तों, आप सब कंफ्यूज हो गए कि मैकेनिक्स में कौन सी बुक पढ़ूं। कई लोगों ने कई राइटर की बुक पढ़ी होगी, कई लोगों ने कई राइटर की बुक्स। मैं ये कोई वीडियो मैंने स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे अच्छा लगा है वो बुक्स मैं आपको बताना चाहूंगा। भावी कट्टी सर की जो बुक है, भावी कट्टी सर की बुक बहुत ही बेहतरीन है मैकेनिक्स के लिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको मैकेनिक्स एकदम डीप में जाके पढ़ना है, देखो डीप में जब पढ़ते तो आपको मजा आता है चीजों को पढ़ने में, तो अगर आपको डीप में जाके पढ़ना है तो भावी कट्टी सर की बुक बहुत ही अच्छी है। आप कोशिश करिए, उस बुक को पढ़िए और बुक को पढ़ के आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रक्चर इंजीनियर को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, दैट सब्जेक्ट इज सोम। सोम के लिए भी बहुत ढेर सारे राइटर हैं और बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं। बट अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि सर कौन सी बुक फॉलो करते हैं मैं आप तक बताऊं। तो यार, मैं जो बुक फॉलो करता हूँ वो मैं रामारुथम सर की बुक फॉलो करता हूँ। देखने में थोड़ी सी मोटी अगर आप लोगों के पास होगी, मेरे पास है इसलिए मुझे पता है, मैं उसी से डेली पढ़ता हूँ। रामारुथम की जो बुक है थोड़ी सी मोटी है, पर उसको अगर कभी डीप में जाके पढ़ना आप, इतना मजा आएगा, इतने अच्छे तरीके से उसमें चीजों को समझाया गया है कि आप यार मैं क्या बोलूं, उससे वैसे कोई बुक ही नहीं है सोम की जिस लेवल की बुक उन लोगों ने समझाया। दूसरे जो राइटर की बुक है वो मैंने देखे हैं, पर उन बुक्स में उतना क्वालिटी नहीं है जो बुक रामारुथम सर की है। तो एस रामारुथम की बुक आप परचेज कर लीजिए, दैट बुक इज फैबुलस फॉर सोम। बात करते हैं आरसीसी की, क्योंकि आप आरसीसी इंडस्ट्री में जा रहे होगे तो आपके लिए आरसीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरसीसी में कौन सा राइटर की बुक तुमको पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यार, बहुत ढेर सारे इसके भी बहुत से राइटर हैं, पर लिमिट स्टेट मेथड से जो सबसे बेहतरीन डिजाइन की हुई बुक मुझे मिली, दैट बुक इज अशोक कुमार जैन बुक। अशोक कुमार जैन सर की जो बुक है वो बुक इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, क्या मैं क्या बोलूँ, उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुक में काफी अच्छे तरीके से जो प्रैक्टिकली होना चाहिए वैसा डिजाइन करके दिया गया हुआ है। तो अशोक कुमार जैन की बुक मैं आप तक बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी है, और आप उसको फॉलो करिए और उसी से अगर आप डिजाइन पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। वो कोई यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो उसका थोड़ा सा पार्ट है, वो पूरा का पूरा यार बहुत इंटरेस्टिंग। आपको मैनुअल डिजाइन सीखना है तो अशोक कुमार जैन सर की बुक से पढ़िए, आपके लिए काफी अच्छा होगा। कई लोग बोलते होंगे सर मुझे साइट पे जाना है, बट मुझे साइट का काम नहीं आता है। कई लोग बोलते होंगे सर मुझे ना, मैं डिजाइन इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं डिजाइन इंजीनियर हूँ, बट मुझे ना कभी कभी लगता है कि मुझे साइट का भी नॉलेज होना चाहिए, मुझे साइट का प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिले सर अगर मुझे साइट पर न जाना पड़े तो। दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना है, प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से समझना है, तो उसके लिए जो बुक मैंने पढ़ी और जो मैंने देखा उसके अंदर, आज ही मैं उसको क्लास में पढ़ा रहा था, संदीप मिस्त्री सर की ए टू जेड, ए टू जेड बुक बहुत ही अच्छी है।
ए टू जेड प्रैक्टिकल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है, कैसे प्रोजेक्ट लेते हैं और कैसे प्रोजेक्ट करके देते हैं किसी को, एक एक स्टेप बताया गया है। इवन उसमें यह बताया गया है कि एक आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट का काम क्या है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का काम क्या है, लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट का काम क्या है, स्विमिंग पूल कंसल्टेंट का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट का काम क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन उसमें किया गया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है सिविल इंजीनियरिंग का और आपके पास टाइम नहीं है, आप हो सकता है साइट के इंजीनियर हो या डिजाइन के इंजीनियर हो, पर आपको साइट इंजीनियरिंग पूरा सीखना है अच्छे से, तो आप ये प्रैक्टिकल बुक जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैंने इसी से काफी कुछ सीखा है। तो मैं आपको भी ये बोलूंगा कि आप भी इसको सीखो तो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। इसके बाद लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है अगर आप स्टील इंडस्ट्री में जा रहे हो तो, लास्ट ये पांचवी जो बुक है दैट बुक इज फॉर स्टील स्ट्रक्चर, ये भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए माई ऑल टाइम फेवरेट एस के दुग्गल सर की बुक बहुत ही अच्छी है, एक एक न्यूमेरिकल उसमें ऐसे समझाए गए हैं कि यार क्या बोलूं मैं बोल सकता हूं कि आप अगर स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, फिलहाल तो आपके भी सर ने बोला होगा कि इसके दुग्गल सर की बुक सच्ची कोई बुक नहीं हो सकती है, आपने भी कॉलेज में देखा होगा, मैं भी यार वही बुक फॉलो करता हूं। और प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन पांचों को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और आप लोग इसको फॉलो करिए और देखिएगा आपको खुद ही समझ आएगा कि मुझे स्ट्रक्चर में काफी कुछ समझ आता है। लास्ट में एक और बुक, बट दैट बुक इज नॉट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, दैट बुक इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन। अगर किसी को एस्टिमेशन अच्छे से सीखना है, एस्टिमेशन ओवरऑल सीखना है, तो बी एन दत्ता सर की बुक बहुत ही बेहतरीन है फुल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को सीखने के लिए। उसमें हर एक तरह के एस्टिमेशन सीख सकते हो, वॉल की एस्टिमेशन, प्लास्टर का एस्टिमेशन, पेंटिंग का एस्टिमेशन, एक एक चीज आप सीख सकते हो। तो मैं एक लास्ट में आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, मैकेनिक्स के लिए आप भावा भट्टी सर की बुक यूज कर सकते हो, सोम के लिए आप एस रामारुथम की बुक यूज कर सकते हो, आरसीसी के लिए अशोक कुमार जैन सर की बुक यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप ए टू जेड संदीप मिस्त्री सर की बुक यूज कर सकते हो, स्टील स्ट्रक्चर के लिए आप एस के दुग्गल सर की बुक यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर एस्टिमेशन सीखना है तो आप बी एन दत्ता सर की बुक यूज कर सकते हो। यार ये कुछ मेरी फेवरेट बुक्स हैं। आप लोग कई बार मुझे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे सर मैं कौन सी बुक फॉलो करूँ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो मैंने आज इस वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट करने की कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार इसको सब तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि एग्जैक्ट कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो और थोड़ा सा हमारा नॉलेज एक्सप्लोर हो। ठीक है, ये चाहे आप एमपीएससी की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें, चाहे आरआरबी की तैयारी करें, इन बुक्स से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की बात आएगी तो ये जो आइडियल बुक्स हैं इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आपको और भी किसी बुक के बारे में जानना है या जो बुक्स मैंने बताई अगर इसको आपने पढ़ा है, आपका जो एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, चाहे वो किसी बुक के बारे में हो, अगर आपको बुक वो अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ यार मैं इन्होंने पढ़ा तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। फैक्ट बताइए, आपको जो बुक्स अच्छी लगी उस बुक के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लस अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है और समझ में नहीं आ रहा है उस बुक के लिए कौन सी राइटर की बुक पढ़नी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सी राइटर की बुक्स पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत।